कुत्ता और हड्डी। एक भूखे कुत्ते को गांव के एक कसाई ने दया कर हड्डी का एक टुकड़ा दे दिया। कुत्ते ने हड्डी का वह टुकड़ा मुंह में दबाया और खुशी खुशी एकांत तलाशने चल पड़ा। एकांत में वह आराम से तृप्त होने तक हड्डी को चूसकर उसका स्वाद लेना चाहता था। रास्ते में एक नदी पड़ी। कुत्ता जब नदी के किनारे से गुजरा तो उसकी दृष्टि नदी के पानी पर दिखाई दे रही अपनी ही परछाई पर पड़ी। मूर्ख कुत्ते ने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता वहां मौजूद है जो उसे घूर रहा है। अपनी परछाई में उसे अपने मुंह में दबी हड्डी दिखाई दी और वह मूर्खतावश सोचने लगा कि दूसरे कुत्ते के पास भी हड्डी है। वह लालच से भर उठा और उस हड्डी को हथियाने अपना दिमाग लड़ाने लगा। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान था। उसके सोचा कि दूसरे कुत्ते को मैं भौंक कर डरा दूंगा और हड्डी छीन लूंगा। अगर ये भौंकने से नहीं डरा तो लड़ाई में तो मैं इसे हरा ही दूंगा। उसके बाद वह नदी में दिख रही अपनी ही परछाई पर भौंकने लगा, जिससे उसके मुंह में दबी हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ते के देखा कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी अब हड्डी नहीं थी। कुत्ते को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह मुंह लटकाकर वहां से चला गया। लालच ने उससे वह भी छीन लिया जो उसके पास था। सीख: लालच बुरी बला है।